मौसुमी और कालबैशाख को दृष्टि रखी टीपीएससीएल व्यापक प्रस्तुति कर 28.55 सर्किट किलोमीटर क्षतिग्रस्त एलटीएबीसी परिवर्तन और मरामती 35.35 किलोमीटर क्षतिग्रस्त कंडक्टर को करा जाई परिवर्तन और मरामती 2022 तुलन में 2023 रे एपर्यंत कालबैशाखीर प्रभाव 2 गुणारु अधिक बढ़ी प्रभावित हो 1017 विद्युत खुंट और 69 ट्रांसफर्मर टीपीएस ओ डीएल 4420 कर्मचारी उद्यम फल क्षतिग्रस्त होता 28.55 सर्किट किलोमीटर एलटी केबुल और 35.35 किलोमीटर कंडक्टर को बदला जाए आगामी मौसुमी ऋतुपी टीपीएस ओ डीएल संपूर्ण प्रस्तुत अच्छी सर्कल ऑफिस एवं सीओ ऑफिस सैटेलाइट फोन सहित जोगाजोग करा जाए सेक्शन कार्यालय को जोगाई दिया जाए पोर्टेबल जेनसेट एवं हेवी टॉर्च लाइट समस्त 6 सर्कल में मोबाइल सबस्टेशन नियोजित करिछि तबे टीपीएस ओडीएल निजर समस्त सहकर्मी एवं जनसाधारण प्रगतिशील सुरक्षा निश्चित करिछि। ओडिशा में सब लोग हम लोग जानते हैं कि अब नेक्स्ट 2 मंथ्स जो हैं वो बारिश के रहेंगे। इवन रेनफॉल उड़ीसा की बात करें बहरामपुर और हमारे टीपीएस ओडीएल की तो काफ़ी बारिश होती है जिसकी वजह से कभी कभी हमारे पीएसएस और उसमें वाटर लॉगिंग होती है, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है कि कैसे हम अपने कंज्यूमर्स के लिए अपने उपभोक्ताओं के लिए क्वालिटी पावर देंगे और रिलायबल पावर सप्लाई देंगे। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें हमने करी भी हैं। इंफ्रा को हमने स्ट्रेंथन किया है, हमने अगर सपोज आप देखें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार हमारे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी हमने बढ़ाई है, हमारे कुछ ग्रिड सब प्राइमरी सब स्टेशन है जिसमें कि 33x11 और 11x440 सप्लाई जो आप लोगों के घर तक पहुंचती है तो उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो वो काम चल रहा है। और इस साल हम जानते हैं कि अगले साल अगर सपोज जो भी सिचुएशन होती है उसके लिए हम फुली प्रिपेयर हैं।